दोस्तों नमस्ते। अभी हैं हम, हमारा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और वन ऑफ द वाइब्रेंट एंड सीनियर पॉलिटिकल लीडर ऑफ अरुणाचल प्रदेश गेगोंग अपांग, और शायद आप उनका चेहरा से आप पहचान गए होंगे कि इनका एक्सपीरियंस, इनका तजुर्बा और अरुणाचल प्रदेश में जो उन्होंने सर्विस दिया है एज ए पॉलिटिकल लीडर, एज ए चीफ मिनिस्टर, वो शायद सबको याद रहेगा। तो एक्चुअली हम इनसे मुलाकात करने इसलिए आया था कि आपको भी याद होगा कि अपंग साहब ने एक नया पॉलिटिकल पार्टी एक लॉन्च किया कल, अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो बहुत अच्छा बात है, चुनाव में सबको पार्टिसिपेट करने का हक बनता है और डेमोक्रेसी बोलता है कि वो जनता के सामने जाएं, जनता से अपना सपोर्ट लें और फिर सरकार बनाएं और सरकार में लोगों का सेवा करें। तो अपंग साहब बहुत बहुत धन्यवाद, और काफ़ी दिनों के बाद आपका भी दर्शन हुआ। तो आपका पार्टी जो आपने लॉन्च किया कल और लोगों को बताने का कोशिश कर रहे, तो ये पार्टी के बारे में थोड़ा सा बताइए और क्या अपडेट है अभी तक का और आगे का क्या कार्रवाई आप करने जा रहे हैं? अभी का तो अब जानता है, सब भी जानता है। अभी कल हम लोग लॉन्च हो गया फाइनली। इसके इस सिलसिले में तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत कम समय के अंदर में रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर उसका अप्रूवल हो गया। कल हम लोग उसका हमारे लिए नया बर्थडे हो गया, लॉन्च हम लोग कर दिया उनका ये तो सलाह से, नया एडवाइस है। तो ये नया पार्टी है रीजनल का, रीजनल एक तो पार्टी है पीपीएफ, पहले हम लोग किया था ऐसी, लेकिन ये एडीपी अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी जो लोअर ऑफ डेमोक्रेसी, ये हमारे पार्टी में आ जाए। और उसके बाद में देश एडीपी तो सेकुलरिज्म को मेंटेन करेगा, सोशलिज्म को मेंटेन करेगा। तो इसका उद्देश्य बहुत लंबी है, बड़ा है। उनका फिलोसफी एंड आइडियोलॉजी तो बहुत बड़ा है, उसका लक्ष्य भी बहुत बड़ा है। तो इस पार्टी से तो हम लोग पब्लिक को एक सेवा करना मांगता है, उनका जिस संस्कृति लगा करके हम लोग लाइक माइंडेड आदमी को जोड़ के ना हम लोग करना मांगता है। अभी मैं ये पार्टी का माध्यम से और आपका जरिए से हम लोग लोगों का जोड़ना मांगता है। जोड़ने का मतलब लाइक माइंडेड पार्टी जो रीजनल पार्टी को अच्छा पाता है वो तो हम लोग का आदमी जोड़ना है। और इसका इसमें इंटरनेशनल कांग्रेस है, पोलिटिकल पार्टी नेशनल का, और इसके बाद साथ में तो कांग्रेस की बीजेपी भी है और दूसरा पार्टी भी है। लेकिन हम लोग एकदम बड़ा हाईकमान तो हमारा मेरा उद्देश्य है, तो मीनिंग है हाईकमान लोगों ने, बहुत लोग हाईकमान है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट में है, हमारे गांव में है, हम लोग तहसील में है, वो तो हमारा हाईकमान है। मतलब हाईकमान दूर नहीं होना चाहिए, नज़दीक होना चाहिए ना? हाईकमान जनता जनार्दन है, वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ गॉड, उनका आवाज़ सुन के हम लोग ये करना मांगते। हम लोग बाहर में दिल्ली में हमारा हाईकमान नहीं है, बीजेपी में नहीं, कांग्रेस में भी नहीं, हाईकमान सिस्टम को हम अच्छा नहीं पाता है। लोगों का एक्सपेक्टेशन एक्सपीरियंस और पोल पुल करने के लिए हमारे रीजनल पार्टी काम करेगा। और जैसे कि अभी जो चलता है करप्शन होता है, करप्शन का हम लोग ग्रोथ आउट करना मांगता है, और पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट करना मांगता है, और एनवायरमेंट फ्रेंडली इको फ्रेंडली हम लोग करना मांगता है। एकदम पूरा जो विद्यार्थियों को और युवाओं को, युवा मन महिला की भी लेडीज हो जेंट्स हो, उसका हम लोग सेवा करना मांग, उन लोग का साथ में लेकर करना मांगता है। ऐसा करके बुजुर्ग का टच करेगा पब्लिक, व्हाट दे वांट डेवलपमेंट वी लाइक टू इम्प्लीमेंट देम, और उनका डिसीजन से होगा, हम लोग सेंटर से डिसीजन नहीं होगा। नोबडी, क्या प्लानिंग होगा आपका? क्योंकि देखिए 2024 बहुत सामने में है, और शायद हमको लगता है कि आप थोड़ा सा देर आया ना, सही समय में आया, आप सोचता है टाइम जो सही है क्या आपके लिए? टाइम तो सही होगा, क्योंकि गॉड इज ग्रेटेस्ट, भगवान का इच्छा है। हमारे समय का तो हमारे समय को उपयोग करने जाने से, प्रयोग करने जाने से, इलेक्शन तो है दिन ज़्यादा दिन है, कम दिन है, लेकिन हम लोग करने का ऐसे वे देर इज विल देर इज वे, हम लोग कर सकते हैं ना। ये करने के लिए हम लोग इमीडिएटली
कल ये हो गया ना, आज थोड़ा रेस हो गए, कल से हम लोग चर्चा करेगा हमारे कोर कमेटी लोग, लेकिन उसमें हम लोग कौन मांगता है सर्च कमेटी बनेगा, कौन उपयुक्त तो है ना उसका सर्च कमेटी बनेगा। अच्छा, कैंडिडेट भी आप लोग कोशिश करेंगे खोजने के लिए ना? कैंडिडेट लोगों तैयार करेंगे। अच्छा, तलाश करना चाहता है आपके पार्टी में? मोस्ट वेलकम, लेकिन दे शुड बी लाइक माइंडेड, रीजनल पार्टी को अच्छा पाने वाला और पब्लिक को सेवा करना, लेकिन ऑक्टोपस मछली का माफिक अपना नहीं करना चाहिए, ये अपना कहेगा तो ये नहीं होगा। हमारे इलेक्टेड जो लीडर है वो पब्लिक के साथ में जुड़ा होने से हम लोग कॉन्टेक्ट बिजनेस ऑफ सारा स्टूडेंट का यूथ का पब्लिक को ऊपर में विश्वास करके उन लोग को कौन देगा, चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर और MLA लोग अपना MP लोग अपना ये नहीं करेगा ना, इट इज विल गो अकॉर्डिंग टू विशेज ऑफ द पीपल, ऐसा करके हम लोग करना मांगता है। अमन साहब, एक चीज़ था मैं आपको थोड़ा सा पूछना चाहता था कि देखिए आप आपका जो सर्विस जो था एज ए सेकेंड लॉन्गेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अभी तक शायद आपको कोई पार करने वाला शायद नहीं आया क्या? हम लोग वो तो पता नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस जो बोलता है आपका एक्सपीरियंस शायद बहुत लोगों में कम लोगों में ही होता होगा, लेकिन एक चीज़ है अरुणाचल का पॉलिटिक्स में आपको पता है सर कि आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स होता है, आज इधर कल उधर, आज रूलिंग पार्टी आया तो पार्टी बदल दिया, पासा बदल दिया, पार्टी छोड़ के वहाँ से वहाँ चला गया, ऐसा सिस्टम भी बहुत ख़राब है ना, उनको कंट्रोल करने के लिए सिस्टम होगा अभी नहीं बताएगा, हमारे साथी लोग स्टैंड में बैठ के करेगा, जिसको टिकट देगा वो आयाराम गयाराम नहीं होगा, भगोड़ा को हम लोग नहीं चाहिए, लेकिन दे शुड कमिटेड लीडर शुड बी सिलेक्टेड बाय आवर सिलेक्शन कमिटी, ऐसा करके उन लोग के साथ में बंदोबस्त होगा अंडरटेकिंग। अरुणाचल प्रदेश में आपको भी पता होगा कि जो पॉपुलेशन जो बढ़ते जा रहा है, इमिग्रेशन का इशू भी एक तो आ रहा है, उसका ऊपर में आपका क्या मैसेज रहेगा? पॉपुलेशन तो नहीं बढ़ता है, पॉपुलेशन को बढ़ता है आदमी लोग ऐसा करता है, पॉपुलेशन को भी हम लोग देखेगा पब्लिक के साथ में बैठ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के साथ में, लेजिस्लेटर के साथ में भी, पंचायत लीडर के साथ में बातचीत करके उनका भी करेगा, पॉपुलेशन अपना सब पॉपुलेशन होने से आउटसाइड पॉपुलेशन है ना कि क्या देखना पड़ेगा, इमीडिएटली आई कैन नॉट से बट वी हैव टू सिट टुगेदर। आप लोग जो संविधान में जैसे बोलते हैं कि व्हेन वी आर ट्राइबल वी शुड हैव सम आवर ओन राइट्स ऑन द रिसोर्सेस ऑन द लैंड, तो इसके लिए पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का ज़रूरत पड़ेगा, 371 का अमेंडमेंट का ऐसा बातचीत चल रहा है, काफ़ी दिनों से आवाज़ उठ रहा है, आप क्या सोचते हैं उसका ऊपर? नो, ये जो पुराने ज़माने में हमारे जो ट्राइबल वेयर ट्राइबल पीपल ना सोशल इतोस मोरिंग और मर ये कल्चर है और ट्रेडिशन है, उसका हिसाब से तो हमारे जमीन के ऊपर में हमारे पानी के ऊपर पर्वत पहाड़ का ये ऊपर में हम लोग जो करेगा हम लोग ही करेगा, सेंट्रल पार्लियामेंट शुड नॉट मेक एनी सिंगल अटेम्प्ट टू ओवर टू इट, ये करने से उन लोग का बहुत बड़ा गलती होगा, इट विल बी बिगेस्ट हिमालयन ब्लंडर प्रॉब्लम। एक चर्चा है आप साहब, क्योंकि अभी आज कल जन्म हुआ पार्टी, रजिस्टर्ड तो हो गया, जो नियम कानून होता है शायद आपने पूरा कर लिया, लेकिन उसको बड़ा करने के लिए, और क्योंकि ऑलरेडी आपने कहा कि एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग करेंगे, सर्च कमेटी बनाएंगे, कोर कमेटी बनाएंगे, लेकिन प्लानिंग क्या है 24 का, क्या प्लानिंग करके रखा? प्लानिंग तो 26 के लिए हम लोग तो अभी अक्टूबर सेप्टेम्बर से जाकर एकदम अक्टूबर में कम्प्लीट करना मांगता है मूवमेंट, ऐसा करके हम लोग अक्टूबर के अंडर में हम लोग कैंडिडेट सिलेक्ट होगा, एवरी असेंबली सेगमेंट 60 असेंबली सेगमेंट का हम लोग आगे जाएगा, MLA जो करना मांगता है ना लाइक माइंडेड आदमी लोग, पब्लिक जो जिसको विश्वास करके सपोर्ट करता है उनका टिकट हम लोग डिक्लेयर करेगा, भी देना तो उस समय में देगा लेकिन डिक्लेयर करेगा, दे विल कैंपेन देयर ओन एरिया, अक्टूबर के अंडर में हम लोग सब एक्सरसाइज भी पार्लियामेंट या पार्लियामेंट का भी करेगा। तो मतलब आपका प्लानिंग है कि 60 का 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी और दोनों पार्लियामेंट का हम लोग करेगा। कैंडिडेट मिलेगा सर? कैंडिडेट है? सफिशिएंट हो गया, सफिशिएंट हो जाएगा, सफिशिएंट हो गया। अच्छा, कहीं कहीं में तो डबल डबल कैंडिडेट टिकट मांगने वाला भी है, वो तो हमारे डबल डबल तो देखता है उसका लाइक माइंडेड आदमी होने से होगा ना, लेकिन डबल डबल जाना तो
बीजेपी का पांच में जाने के लिए इच्छा होने से तो उनका मर्जी है, कांग्रेस में जाने के लिए इच्छा है उनका मर्जी है, और पीपीए में कौन है उनका मर्जी है। दूसरा पार्टी को बीजेपी कांग्रेस का भाई जो सत्ता भाई का पार्टी होता है ना, अभी नेहरा से हम लोग के पास में नहीं, हम लोग प्योरली इंडिजिनियस पीपुल उन लोग के अंडर में बात करेगा। उन लोग जो अच्छा कैंडिडेट भेजेगा, ये डिफेक्ट भी नहीं होगा एकदम, पर दे विल एबल टू सर्व द पीपल। मतलब आप रूलिंग से भी दूर, ओपोजिशन से भी दूर, दूर दोनों से दूर, दूर कांग्रेस बीजेपी से दोनों से नहीं, दूर? नहीं उन लोग का वो तो ये हाईकमान दिल्ली में ना। अच्छा, हाईकमान वाला पार्टी के साथ हम लोग के साथ नहीं होगा। एक चीज है सर, आप फादरली फिगर है अरुणाचल प्रदेश में, एक आपसे एक लोगों को एडवाइस चाहिए, अरुणाचल प्रदेश के जनता को एक एडवाइस चाहिए, और हमको लगता है कि आप सरकार को भी एडवाइस दे सकते हैं। आपने सुना होगा आपू आपा एक्ट अरुणाचल प्रदेश में लागू हो रहा है, पहले से भी लागू होता था लेकिन लोगों का नज़र में नहीं आया था। 2013 में एक कानून बनाया, अनलॉफुल प्रिवेंशन एंड डिटेंशन एक्ट, तो इसका मिसयूज हो रहा है, काफ़ी लोगों का एलिगेशन है, आप क्या सजेस्ट करेंगे अरुणाचल सरकार? नहीं, हम लोग सरकार इसका तो ये करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, गवर्नमेंट का एक स्टेट का कैबिनेट डिसीजन होना चाहिए। इफ नेसेसरी इट शुड बी टेबल इन द असेंबली, असेंबली पास करके भेज सकता है दिल्ली में, लेकिन इफ पीपल डो नॉट एग्री इट एक्सेप्ट इट देन वाई देन फोर्सफुली दे शुड इम्पोज ऑन अस, नो इम्पोजिशन, नो सुपर इम्पोजिशन ऑन अस। ये तो दिस वेरी हार्मफुल टू पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, यदि आपका असेंबली में आ जाता है, आप लोग आते हैं तो क्या करेंगे? ना असेंबली हो, हम लोग विल अपोजिट, विल अपोजिट, इवन पार्लियामेंट पास करने से गो टू पीपल एंड पीपल करके पार्लियामेंट में हम लोग रिप्रेजेंट करने के देगा। हमारा पार्लियामेंट दो एमपी आएगा ना, और राज्यसभा हम लोग दे देगा, तीन एमपी हम लोग देगा, तीन एमपी ने पीपल इंटरेस्ट में तो पार्लियामेंट में कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करेगा और दे विल ऑल्सो वॉइस देयर। अपंग साहब का बोलना है जो आपू आपा एक्ट जो चल रहा है इसका ऊपर में, इलीगल ये इलीगल है बोल रहे हैं, अगेंस्ट द पीपल, इलीगल अगेंस्ट द विश ऑफ द पीपल। तो असेंबली में आने से आप लोग यदि आप आते हैं तो आप लोग अपोज करेंगे? अपोज करेंगे, और नहीं तो अभी सरकार को आप क्या सजेस्ट करेंगे? सरकार शुड हैव डन इमीडिएटली टू रिमूव इट। सरकार पब्लिक का फेवर में इंटरेस्ट का हिसाब से काम करना चाहिए, कोना था नहीं कौन के कितना पब्लिक को आप नारी शक्ति का कितना आदमी उन लोगों को तकलीफ दे दिया ना, जितना यूथ को इतना तकलीफ दे रहा है, ये तो वी कैन नॉट टॉलरेट। बात करने से भी हम लोग को भी इफेक्ट होगा ना, ये बहुत गलत है। सरकार ऐसा देशों ने रिमेन साइलेंट स्पेक्टेटर टू इट। तो दोस्तों, ये थे गेगुआ अपंग साहब, क्योंकि शुरुआत में आपको हम बताया कि अपंग साहब ने नया एक पार्टी बनाया, अरुणाचल प्रदेश रीजनल पार्टी होगा, तो दो पार्टी हो गया आज का डेट में, पहले अरुणाचल कांग्रेस भी हुआ करता था शायद, एसी नहीं है ना सर अभी? एसी हाईकमान खत्म हो गया, तो पीपीए है, और आज सेकेंड जो कल जो जन्म हुआ बच्चा, अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी जन्म हुआ है नया पार्टी। ये पार्टी अपंग साहब का क्लेम है कि 60 का 60 असेंबली सीट कॉन्टेस्ट करेगा और 2 पार्लियामेंट्री सीट करेगा। उसके लिए कैंडिडेट यदि कोई दूसरा पार्टी से आता भी है तो सोच समझ के आना पड़ेगा, लाइक माइंडेड होना पड़ेगा, और हाई कमांड वाला सिस्टम नहीं होगा, यहाँ सब अपना सिस्टम चलेगा। तो कोशिश करते हैं अगला इनका जो कार्रवाई होगा, अक्टूबर में इनका प्लानिंग होगा, तो उस समय में देखा जाएगा कि अपंग साहब कहाँ तक जाते हैं और असेंबली और पार्लियामेंट का सीट कितना फिलअप कर सकते हैं, वो भी देखने की बात होगा। चलिए हम लोग देखते हैं और इंतज़ार करते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी का जो प्रेसिडेंट है उनसे भी कोशिश करेंगे आपको रूबरू करवाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिएगा अरुणाचल न्यूज़ लाइव।